ये आपका ब्रेन और ये आपकी बॉडी, ये आपके गुलाम है। ये क्या चाहते हैं हमें वो नहीं करना है, हमें क्या करवाना है वो करना है, करेंगे ये। और पहले आप अपने दिमाग को ये इंस्ट्रक्शन दो कि तुझे ये याद करना है, दैट्स इट। इसके आगे पीछे का कोई एक्सक्यूज़ या कोई रिलैक्सेशन अपने दिमाग को या अपनी बॉडी को देने की ज़रूरत नहीं है। पहले दिन ही समझा दिया, ठीक है। तो आप कोई भी बात कर रहे होते हो तो आप साइमल्टेनियसली ये दूसरा काम कर रहे होते हो, और वो लोग जो बोल रहे हैं उसके बारे में आप सोच रहे होते हो और उसका रिप्लाई तैयार कर रहे होते हो, तभी तो आप रिस्पॉन्ड कर सकते हो ना। उसने कुछ पूछ लिया तो आप क्या करोगे, बच्चे ने कुछ पूछा तो आपको जवाब देने के लिए आपको सोचना पड़ेगा, उसको सुनना पड़ेगा। यू हैव टू लेंड योर ईयर टू हिम। आप उसकी बात सुनोगे, आप अपने दिमाग से उसमें सोचोगे और फिर यू विल अटर। मीनवाइल यू आर नॉट गोइंग टू स्टॉप द वर्क व्हाट यू आर डूइंग, वो आप करते रहोगे, तो आप वो साइमल्टेनियस कर रहे होते हो। तो उसी तरीके से नाटक में भी हमें वही करना हो। आपको कब लगने लगता है कि ये स्मूथ हो रहा है, जब आप उसे रेगुलर बेसिस पे उन चीज़ों को करते जाते हो और आपकी मूवमेंट्स जो होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं। थिएटर इज मैटर ऑफ प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस। इसमें आपको हर रोज़ वही काम करना है, उसी शिद्दत के साथ करना है, उसी इंटेंसिटी के साथ करना है, उसी इंटरेस्ट के साथ करना है, और बेटर डेली ऑन डेली बेसिस आपको उसको और बेटर 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 ही करते जाना है, और आपको उसको एंजॉय करना है। जब आप एंजॉय करने लगोगे तभी सामने वाला एंजॉय करेगा। कब लाऊंगी, तो एज फार एज एक्सप्रेशन आर कंसर्न वो भी एक के बाद एक आते हैं। अब मैं उसके बारे में आपको बताती जाऊंगी। तो अब आपका हम सबसे पहले कर देते हैं ब्लॉकिंग, ठीक है। ब्लॉकिंग जो है वो एक तरीके की कोरियोग्राफी है। आपको स्टेज के ऊपर सिर्फ लाइंस बोलनी नहीं है, आपको स्टेज के ऊपर बाकायदा बातचीत करनी है, एक्शंस करना है। जो हम डे टू डे काम करते हैं उस तरीके से हमें पेश आना है, नॉर्मल पेश आना है। इसलिए आपको कब क्या बोलना है और क्या एक्शन करनी है ये इसके अंदर तय होता है। एक्सक्यूज नहीं लेने दो। और हर डिप्रेशन का, हर किसी बीमारी का एक ही इलाज होता है, टू फेस इट, नॉट टू रन अवे फ्रॉम इट। कि मुझे ये है मैं इसलिए नहीं करूँगा, नहीं, मुझे ये है कोई बात नहीं, है तो है, उसमें कौन सी बात है। ये जो अपना दिमाग होता है ना, ये बहुत तेज होता है, ये हमें खुद ही बेवकूफ़ बनाता है, यही हमें बेवकूफ़ बनाता है, और हम उसे विश्वास करने लग जाते हैं। इंस्टेड ऑफ बिलीविंग ऑन योर माइंड, आप अपने माइंड को बताओ कि तुझे क्या बिलीव करना है, उसको ट्रेन करना होगा। डिप्रेशन वगैरह की जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा आजकल चल रही हैं, मालूम है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। हर एक का अपना लाइफस्टाइल आ जाता है और बहुत कुछ एक्सपेक्टेशंस वगैरह बहुत अपने आप से हाई होती हैं, फिर वो मीट आउट नहीं हो पाती हैं, अपने से जुड़े लोगों से होती हैं वो नहीं मिल पाती हैं, उसकी वजह से ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। बट ये होती हैं, इट्स ओके। बट द मेन थिंग इज, जैसे सर्दी खांसी जुकाम है ना, ये भी चीज़ें वैसी ही हैं, ये भी उसी तरीके की हैं। आप अपने दिमाग को इंस्ट्रक्शंस दो कि तुझे ये करना है और उसको इन्वॉल्व करो। वो बजाय हमारे ऊपर हावी हो, हमें उसके ऊपर हावी होना है। बिकॉज आपका दिमाग, आपका मन, आपका ये सब कुछ जो है, आपकी बॉडी वगैरह,
ये आपके गुलाम है। दिस इज लाइक इलेक्शन, हमने किसी नेता को चुन लिया है अपने लिए काम करने के लिए, हमने राजा नहीं चुना है, हमने नौकर चुना है। सिमिलरली हमने इस शरीर को चुना है, इस दिमाग को चुना है, तो ये जो सोल है, ये जो कुछ भी बोला जाता है, ये सब कुछ जो कुछ भी है, या वो सूक्ष्म शरीर या कुछ भी, वो जो जिसने भी चुना है उसको, जो भी है वो, उसने अगर चुना है तो उसने अपने काम के लिए चुना है इसको। आप इसे इंस्ट्रक्शंस दो और आप कर सकते हो ना। हाँ तो बस ऑल द बेस्ट, ठीक है। उसे हम ब्लॉकिंग बोलते हैं कि आपको कहाँ पर क्या बोलना है, क्या करना है, किस तरीके से करना है, किस चीज़ के साथ करना है, किसके साथ इंटरेक्ट करना है, अकेले बोलना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें डायरेक्टर आपको इंस्ट्रक्ट करता है एंड यू आर सपोज टू फॉलो इट। फिर आता है जो सोनाली ने पूछा सवाल, जब आप एक बारी लाइन्स बोलते हुए आप अपना प्रॉपर्टी हैंडल करना सीख जाते हो, आपको पता है कहाँ पर आपको उठ के बैठना है, कहाँ पर आपको क्या चीज़ करनी है, वो जब एक बार तय हो जाता है, फिर हम आते हैं एक्सप्रेशन के ऊपर कि अब हमें ये जो नवरस में से कौन सा रस कहाँ दिखाना है। इंसान को जिंदगी से हकीकत में क्या चाहिए, कौन सा रस है? आश्चर्य रस, यस। मुझे लगता है ये शायद उसका उसे ही नहीं मालूम। डाउट, क्यूरियोसिटी, आश्चर्य रस, आश्चर्य रस। अगली लाइन, इसकी वजह मुझे लगता है इसकी वजह ये है कि उसने कभी खुद को सामान्य समझा ही नहीं। ये बंदा कौन हो सकता है? ये कॉन्फिडेंट है जो अपना कुछ बता रहा है, ज्ञान बांट रहा है। वीर रस, इस तरीके से आपको लाइन बाय लाइन रसास डिफाइन करने हैं। ब्लॉकिंग के लिए आपको कैरेक्टर को समझना, कैरेक्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना, उस जगह को समझना, उस सिचुएशन को समझना, उस वक्त को समझना, और उसके बाद वो किस उसमें है, किन लोगों के बीच में है, किस सराउंडिंग में है, उसे समझना, उसका इंटरैक्शन किन किन के साथ है, क्या वो ऑडियंस के साथ ही कर रहा है इंटरैक्ट या फिर और भी लोग वहाँ मौजूद हैं, ये सब को पहले ध्यान में रखते हुए फिर आप उसके क्रियाकलापों के ऊपर ध्यान देंगे कि वो क्या क्या काम करता है, फिर उसके बाद वो किन किन प्रॉपर्टीज़ को हैंडल करता है, फिर उसके बाद वो क्या क्या इमोशंस एग्जिबिट करता है। पूरे स्टेज में उसका इधर से उधर मूवमेंट और एक्शन के साथ जो कुछ भी चीज़ें तय की जाती हैं उसे हम ब्लॉकिंग कहते हैं। ईच एंड एवरीथिंग इज प्री डिसाइडेड, सब कुछ स्क्रिप्ट में एज इट इज़ लिखा होता है, जो कल मैंने आपको स्क्रिप्ट राइटिंग में दिखाया है। ओके, हमारे थिएटर में तो फिर भी कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है कि कोई कलाकार भूल गया लाइन, तो दूसरा कलाकार इम्प्रोवाइजेशनल जो एक्सरसाइज आपको मैंने कराई थी कि आपको दे रही थी, तो ये कलाकार आप आपस में संभाल रहे थे, जैसे पाल रही थी क्योंकि नाटक को आगे बढ़ाना था, तो वो इम्प्रोवाइजेशनल एक्सरसाइजेस होती हैं आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड, ठीक है। वो होता है कि बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में कुछ ऐसी घटना घट जाती है तो उसके लिए होता है वो, तो और वो एक मास्टरी का प्रोसेस है कि जब आपको किसी क्राफ्ट के ऊपर मास्टरी हो गई है तब आप ऐसे जो वो होते हैं ना जिसको बोलते हैं आपातकालीन स्थितियाँ, उसके लिए तैयार रहें, उसके लिए होता है। तक में एक बार पर्दा उठ गया कि फिर पर्दा गिरते तक आपको परफॉर्म करना ही करना है, कोई पॉज नहीं आएगा, कोई ब्रेक नहीं आएगा।
दिस इज लाइक लाइफ। पहली सांस के साथ आपका पर्दा उठा और शो चालू हो गया, और उसके बाद आखिरी सांस के साथ पर्दा गिरा और कहानी ख़त्म होती है। तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो, रीटेक नहीं है, रीवाइंड नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। जो हो गया वो पल गया। इसीलिए नाटक के बारे में कहा जाता है कि नाटक पानी का वो बुलबुला है, वो जिस मोमेंट पैदा होता है उसी मोमेंट ख़त्म हो जाता है। अब ये जो नाटक हम लोगों ने, मैंने आपको सीन्स दिखाए कैप्चर किए हुए, ये कैप्चर्ड थे, बट ये नाटक जब हो रहा था, जिन जिन लोगों ने देखा बस वो उनकी मेमोरी में रह गया, बस वही देख पाए। और ये एक आयरनी ऑफ एन आर्टिस्ट है, जिसको कहेंगे कि हम अपने आप का नाटक नहीं देख पाते कभी। मैं ये रिकॉर्डिंग देख लूँगी बट मैं अपना नाटक कभी नहीं देख पाती। इसलिए नाटक करने से, नाटक देखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। हम एक बार नाटक कर नहीं सके, लेकिन हम अगर नाटक देख भी सकते हैं ना, तो वी आर लक्की इनफ, क्योंकि वो मंजर, वो मौका दोबारा आपको लाइफ में नहीं मिलता। वो तभी पैदा हुआ और तभी ख़त्म हो गया, उसका मज़ा ही लाइव में है। ये सीन है, इसलिए नाटक में इतनी मेहनत होती है। दिस इज द टफेस्ट मीडियम, बट सबसे ज़्यादा प्यारा मीडियम भी यही है, सबसे ज़्यादा थ्रिलिंग मीडियम भी यही है। वो पर्टिकुलर मोमेंट हम जी रहे होते हैं, ना आगे ना पीछे, उस वक्त हमें कुछ नहीं याद होता। जब हम स्टेज पर हैं, हम सिर्फ वो किरदार हैं और हम उसको प्रॉपर जी रहे होते हैं। और मुझे तो कई बार बहुत खुशी होती है कि आई एम इन दिस मीडियम, कि मैं अपनी लाइफ में एक माँ हूँ, एक बेटी हूँ, एक वाइफ हूँ, एक बहन हूँ, एक दोस्त हूँ, कुछ भी हूँ मैं। लेकिन इसके अलावा भी मैं स्टेज के ऊपर कई रोल अदा करती हूँ। मुझे एक ही जन्म में कई बच्चे मिल गए अपने स्टेज के ऊपर, एक ही जन्म में हस्बैंड के नाम पर डिफरेंट डिफरेंट तरह के हस्बैंड दिखाए, काम करने को मिले। रियल लाइफ में मेरे पास एक ही हस्बैंड है, लेकिन ऑन स्टेज मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ऑन स्टेज मैं डॉक्टर भी बन सकती हूँ, जो मैं रियल लाइफ में नहीं बन सकती। ऑन स्टेज मैं एक वकील बन सकती हूँ, ऑन स्टेज मैं झांसी की रानी बन सकती हूँ, कुछ भी बन सकती हूँ। तो मैं अपने सपने को जी सकती हूँ वहाँ पर। दैट्स व्हाई आई फील वेरी वेरी ब्लेस्ड कि इस मीडियम में हम हैं। और क्योंकि जब आपको पता है कि आपको दूसरा मौका नहीं मिल रहा है, तो आप अपना 100% देते हो। स्टेज पे आप कुछ और ही होते हो। रिहर्सल में रोज आपकी ब्रशिंग चल रही होती है, रोज आपका इम्प्रूव, आपको इम्प्रूव किया जा रहा होता है। लेकिन जब आप परफॉर्म कर रहे होते हो, तब आपके पास वही एक मोमेंट होता है। नाटक हमें सिर्फ आज में और अभी में जीना सिखाता है, ना आगे ना पीछे, ना भूतो ना भविष्यति, जो है वो आज है, अभी है, इसी पल में है, इसी मोमेंट में है। और जिंदगी भी एक्चुअल में यही सिखाती है। ब्लॉकिंग के बाद वी विल मूव ऑन टू सेट डिजाइनिंग। सेट क्या होता है? ये मेरा बिल्कुल सेंटर स्टेज है, जो सब कोनों से बिल्कुल बीच का पड़ता है। फिर इधर हूँ मैं तो राइट सेंटर हूँ, अगेन सेंटर, लेफ्ट सेंटर, और यहाँ पे सेंटर से आगे मैं आ जाती हूँ तो मैं डाउन सेंटर हूँ, फिर डाउन राइट हूँ, और फिर डाउन लेफ्ट हूँ। ये 9 जगह है। अब मेरा पोस्चर कौन सा आइडल और कितने तरीके के होते हैं? मेरा एक सीधा पोस्चर और शोइंग योर बैक इज प्रोहिबिटेड, एक्सेप्शनल केसेस के अलावा। ये आपके स्टेज के ऊपर
आपके एंगल्स हैं।